सोशल मीडिया इंसान की आज ज़रूरत है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरतें हो, घर की गृहिणी हो या फिर कामकाजी महिलाएं, सोशल मीडिया पर उनका वक्त कहीं ना कहीं जाता ही जाता है। सोशल मीडिया की उपयोगिता भी कुछ इस तरह से है, स्टूडेंट भी इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां पर अच्छाई होती है वहां कहीं ना कहीं बुराई आ ही जाती है। तो सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एरम ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ नाजिस हुसैन साहब। नाजिस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सोशल मीडिया जो कहते हैं, क्योंकि आज इसके यूजर्स जो हैं, अगर कहा जाए कि हर वो दूसरा, हम तो कहेंगे कि हर वो पहला इंसान जिसके पास मोबाइल है, और नहीं भी है तो घर के में किसी के मोबाइल से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। तो हम, क्योंकि आपने सबरंग समाचार के मेंबर्स जो यहाँ पर ऑफिस के स्टाफ से, उनको आपने ट्रेनिंग भी दी है, बहुत सक्सेसफुली आपने ट्रेनिंग दी है, तो ये बताइए कि सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं, सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया बेसिकली आप एक दूसरे, जो कि आज के डेट, पहले हम लोग जब कम्युनिकेट किया करते थे किसी भी पर्सन से, या आप किसी भी फैमिली मेम्बर से कम्युनिकेट करते थे, तो टाइम के साथ चीज़ें बदलती चली गई हैं। पहले ज़माने में अगर आपको किसी से बात करनी होती तो आप चिट्ठी वगैरह लिखा करते थे, कम्युनिकेशन का जरिया था। धीरे धीरे टाइम दौर बदलता गया, इंटरनेट का ज़माना आया और फिर ऑर्कुट आया। ऑर्कुट के बाद धीरे धीरे चीज़ें बदली और फिर फेसबुक और ट्विटर जैसी चीज़ें भी आ गईं। तो जो लोगों से आप वर्ल्ड से, जब कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया दुनिया में बैठे किसी भी इंसान को एक दूसरे से जोड़ देता है। आप अगर यहाँ अभी रांची में हम लोग बैठे हैं और यहाँ से मुझे किसी दिल्ली में बैठे किसी इंसान से बात करनी है, जुड़ना है मुझे, तो सोशल मीडिया के थ्रू वो चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैं उनसे वीडियो कॉलिंग करूँ, या फिर मैं बात करूँ कि उनसे मुझे चैट करना है, यानी कि मैसेज करना है, तो मैं ईजिली विद इन सेकेंड कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए ही नहीं, समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे बियॉन्ड हम रेवोल्यूशन आते गए इन चीज़ों में, तो सोशल मीडिया का यूज़ आप देखेंगे कंपनीज ने भी करना शुरू कर दिया, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, आपके आज के बिजनेस डील के लिए भी, बिजनेस डील्स वगैरह के लिए, यानी कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको भी सोशल मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट। तो सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो गया हर किसी के लिए, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो या एक कॉमन इंसान है, तो वो भी एक बहुत ही इसको अहम तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं सारे लोग। एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि ई गवर्नेंस की जो बातें होती हैं, ई गवर्नेंस में आप देखेंगे तो आज की डेट में सोशल मीडिया पर हर एक डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनका अकाउंट है सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, आप वहाँ पर देखेंगे उनके अकाउंट्स हैं। पहले ये होता था कि अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट पर्सन से तक अपनी बात पहुंचानी है तो आपको पता नहीं होता था मैं कैसे पहुंचाऊंगा, एक नॉर्मल पर्सन जिनको पता है वो अपनी बातें रख सकते थे। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें इतनी आसान हो चुकी हैं कि अगर आपको अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर एक DC तक से अगर आपको अपने आवेदन या कोई भी रिक्वेस्ट जो आप भेजना चाह रहे हैं एक इंडिविजुअली प्राइवेसी के साथ, तो आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, और ना ही ऐसा होता है कि आपने जो चीज़ उनको भेजी है कोई और बंदा उसको देख रहा हो। तो एक प्राइवेसी का मुद्दा भी होता है यहाँ पे, कि प्राइवेसी भी आपकी रखी जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, कि जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं किसी से वो प्राइवेसी के प्राइवेट भी होता है, और वो एक सिक्योर तरीके से आप उनसे बात भी रख पा रहे हैं अपनी। तो सोशल मीडिया काफ़ी हद तक आज तक लोगों की लाइफ को काफ़ी आसान बना रहा है। इवन कि आज की डेट में आप सोशल मीडिया पे शॉपिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं, शॉपिंग अगर कोई करना चाहे तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू, या आप कोई प्रोडक्ट अगर परचेज करना चाह रहे हैं, फेसबुक के ऊपर ही कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे आप जाके अपने प्रोडक्ट, जो भी आप इंटरेस्टेड है जिस प्रोडक्ट वो वहाँ से आप बेच रहे लोगों से परचेस कर सकते हैं जी। और इसी का अगर आप बात करें सोशल मीडिया और इंटरनेट रेवोल्यूशन का, तो ही एक आपके जैसे कि इंडिया के अंदर में अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां तभी आगे बढ़ पाई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही एक प्रमोशन उन तक, लोगों तक पहुंचा, प्रोडक्ट पहुंचा, और लोगों ने इंटरनेट के थ्रू ही उन प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट को परचेस करना शुरू किया। चलिए, ये तो हो गए सोशल मीडिया के इस्तेमाल, और सच्ची बात है कि बिना सोशल मीडिया के अगर एक दिन के लिए नेट ऑफ कर दिया जाए तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो बीमार पड़ जाएंगे। बिल्कुल, लाखों और करोड़ों अरबों रुपए के का नुकसान भी हो जाएगा। बिल्कुल होता है। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी बात आती है कि क्राइम, अब इसमें जहाँ पर, क्योंकि अच्छी चीज़ है तो बुरी चीज़ भी उसके साथ लोग ढूंढ ही लेते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या बुराई है जो कि सोशल मीडिया से हमारे बीच आ रही है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करें, एक यूज़र हैं,
तो इसमें जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा चैलेंज है, जो कि गवर्नमेंट के लिए भी है और कई जो भी पब्लिक या प्राइवेट अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए भी है, जो होते हैं एक तो फेक अकाउंट्स, ठीक है, जिनकी की आइडेंटिटी होती नहीं है, आपने फेक अकाउंट बनाया और किसी भी चीज़ पे आप किसी को ट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि आपने एक हमने एक ट्रेंड देखा है इस दौर में, एक नया ट्रेंड जो कि हम देखते हैं जिसको ट्रोल भी कहते हैं, ट्रोल करना किसी को भी। तो अगर कोई भी एक ओरिजिनल यूज़र है जिनका अपना ओरिजिनल अकाउंट है आपने जैसे बनाया, और एक फर्जी अकाउंट होल्डर है, वो जाके वहाँ पे आपको पहले होता था कि वो आपको अब्यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, आपको भद्दी भद्दी चीज़ें भेज रहा है, तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जब कंपनीज को इन चीज़ों के बारे में पता चला तो सिक्योरिटी फीचर्स के तौर पे ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डेवलप भी किया है। जैसे पहले बहुत सारी महिलाओं के साथ भी एक असुविधा रहती थी कि कई लोग उनको डायरेक्ट बिना जान पहचान के रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या फिर कई सारी बद्दी बातें कर रहे हैं, तो अब इतनी प्राइवेसी आ चुकी है कि अगर आप अपना अकाउंट सोशल मीडिया पर रखते हैं तो आप उन्हीं को ऐड कर सकते हैं या कोई आपको तभी मैसेज भेज सकता है जब आप उसको जान रहे हैं या आपके कॉन्टैक्ट्स में वो बंदा है। अगर नहीं है तो आपके पास पहले रिपोर्ट का ऑप्शन नहीं होता था, जो कि आज की डेट में कॉमन हो चुका है। आपको अगर किसी प्रोफाइल को आप नहीं जान रहे हैं और बार बार उससे मैसेजेस आ रहे हैं तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर हर एक कम्युनिटी, जो आपके ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया या फिर आपके फेसबुक हो गया, सभी अपना एक्शन लेते हैं। इसी का एक कदम आप देखते होंगे कि अगर किसी भी नए नंबर से आपके व्हाट्सएप पर अगर मैसेज आता है जो नंबर आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव नहीं है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन आ जाता है रिपोर्ट एंड ब्लॉक या फिर ऐड। तो ये उसी फीचर्स का, उसी के तहत प्राइवेसी जो है और जो आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही कंपनीज ने एक फीचर डेवलप किया, जिसके थ्रू कि अगर आप इस पर्सन को जान रहे हैं तभी आप उससे चैट कर सकते हैं, आगे आप उसको ऐड कीजिए और उससे चैट कीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं उस व्यक्ति को तो आप सीधा रिपोर्ट एंड ब्लॉक करते हैं, तो वो बंदा एक तो उनके सर्वर पर रिपोर्ट हो गया पर्टिकुलर उस नंबर पे कि इस बंदे ने किसी को स्पैम मैसेज भेजा है, क्योंकि व्हाट्सएप का भी मिसयूज होना शुरू हो गया था कुछ साल पहले तक, और अब भी कई लोग करते भी हैं, कई कंपनीज जो हैं वो करती भी हैं कि आपके पास मार्केटिंग के एसएमएस आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं, राइट। तो उनके रोकने का तरीका यही होता है कि आपको अगर किसी भी तरह का इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है तो आप सीधा, आपके पास रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, रिपोर्ट एंड ब्लॉक पे आप क्लिक कीजिए और बिल्कुल आप आराम से अपना फिर जो पर्सनल आपके चैट्स हैं उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। राजेश, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ जाते हैं, जैसे कि अगर कोई देश के अंदर में कोई अगर माहौल ख़राब चल रहा है तो कहीं का वीडियो ला करके वहाँ पटक दिए और बहुत सारी बातें फैला दी, समाज में कहीं ना कहीं उससे द्वेष फैल रहा है। तो इससे, इसको रोकने के लिए कंपनी ने किस तरह के कदम उठाए या क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसमें कंपनीज तो अपनी तरफ से जैसे कि मैंने आपको कहा, कंपनीज चाहे वो कोई भी हो, वो अपनी तरफ से एक डेवलपमेंट कर ही रही हैं टाइम टू टाइम, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया अपना टेक्नोलॉजी में अपडेट करती रहती हैं, ताकि जैसा कि आपने एक बात कहा था ना कि टेक्नोलॉजी आई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है, एक टूल है आपके पास जो आपको सहूलियत दी गई है, यानी कि फैसिलिटी है, तो वो आपके, आप अगर अकाउंट यूज़ कर रहे हैं कोई सोशल मीडिया के ऊपर तो वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर किसी तरह का ऐसा कोई मैसेज आपके पास आता है जिसमें कि इस तरह के कोई वीडियो है या किसी भी तरह का भड़काऊ एसएमएस या फिर कंटेंट आ रहा है, तो उस पर रिएक्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप उसकी एक तो ऑथेंटिकेशन पे चेक कीजिए। नंबर एक, क्या अननोन नंबर से आया है आपके पास वो कंटेंट, उसको फॉरवर्ड मत कीजिए पहले, आप पहले उसको चेक कीजिए कि ये कंटेंट मुझे भेजा किसने। अगर आपके नोन पर्सन ने भेजा है, आप सोर्स के बारे में पूछिए कि ये कंटेंट उनको कहाँ से मिला है जी, पहली चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई फेस्टिवल्स के टाइम पे हम लोगों ने भी देखा है कि कई कम्युनिटी के जब फेस्टिवल्स होते हैं तो नेगेटिव मैसेजेस फैलाए जाते हैं कि एक वीडियो आ गया उसमें किसी फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि दुनिया इतना बड़ा है, वर्ल्ड में अलग अलग हिस्सों में सभी लोग अपना अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, तो हर किसी का कल्चर अपना अलग है। अब यहाँ पे किसी कंट्री में कुछ और कल्चर फॉलो हो रहा है बट यहाँ पे वो चीज़ हम लोग नहीं करते इंडिया में, बट किसी ने वो कंटेंट अगर आपके पास भेज दिया क्योंकि उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कि नहीं ये ठीक है, ये गलत हो रहा है, मुझे भेजना चाहिए, उन्होंने भेजा, आप उसको चेक करने का सबसे बेटर तरीका, कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है, आपको लग रहा है कि मैं टूल्स का यूज़ नहीं कर सक रहा हूँ, तो आज की डेट में आपके पास कुछ न्यूज़ एजेंसी भी हैं जिनको आप डायरेक्ट अपना जो भी कंटेंट आपको मिला है वो आप उनको भेजिए, वो आपको वेरीफाई करके न्यूज़ पे अपने दिखा भी दे देंगे जो कंटेंट मिला है आपको वो ओरिजिनल है या बोगस है। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरी चीज़ है कि जो भी एक कॉमन इंसान की अगर मैं बात करूँ, जो भी कंटेंट उनको मिल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर,
आप पहले उस पे रिएक्ट करने से पहले उस कंटेंट जो आपको मिला है, जो भी वीडियो आ रहा है, एसएमएस आ रहा है या फोटोज भेजी गई हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी आपको चेक करने का सिंपल सा तरीका, आपको भेजा किसने, और दूसरा भेजने के साथ साथ आप पहले उस कंटेंट को चेक करने का एक नॉर्मल तरीका है कि आप गूगल पे ऊपर सर्च कर लीजिए। गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर किसी के पास है। जो कंटेंट आपको भेजा गया है, जैसे कि टेक्स्ट मैसेज आया, आप सिंपल सी चीज़ें कॉपी पेस्ट उस कंटेंट को करके गूगल पे सर्च करेंगे, जब भी एक कॉमन सा सर्च टूल है वो, आप सर्च कीजिए उस पे, उससे रिलेटेड सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। और जो लोग इस चीज़ के ऊपर रिसर्च भी कर रहे होते हैं, बोगस न्यूज़ जो आपके पास आते हैं, उसको ऑलरेडी आप देखेंगे वहाँ पे वो चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे कुछ साल पहले लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आया करते थे कि एयर इंडिया आपको 2 फ्लाइट टिकट दे रही है, आपको सिर्फ ये करना है, लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म भरिए, अगर आपका नाम लकी ड्रॉ में आता है तो आपको एयर इंडिया 2 फ्री फ्लाइट टिकट देगी। लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना फॉर्म भी भर रहे थे, बट बीच में एयर इंडिया की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पे बताया गया कि हम लोगों ने ऐसा कोई भी ऑफर नहीं दिया है, राइट? तो लोगों ने क्या किया कि अपना डेटा, एक तरफ पे लोग कहते हैं कि प्राइवेसी का इशू है, मैं अपना फोन नंबर किसी को दूंगा नहीं, बट ऐसे मैसेजेस के थ्रू क्या होता है कि लोगों ने अपना खुद का डेटा, खुद की इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। ये फ्री में मिलते हो, हाथी भी ले लेते हैं। बिल्कुल, तो फ्री के चक्कर में आप मत जाइए। आपके पास अगर मैसेज आ रहा है कि कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए उस लिंक को। व्हाट्सएप पे भी अगर आता है तो वहाँ पे लिंक होता है, लिंक आप चेक कीजिए कि लिंक में क्या एड्रेस लिखा हुआ, जिसको हम URL कहते हैं। एड्रेस देखिए आप, क्या वो एयर इंडिया का है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके, उससे है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे पता करना चाहिए, तो इस तरह के जैसे रिलायंस का ऑफर का, जो रिलायंस डिश टीवी का ऑफर था बीच में कुछ दिनों पहले तक, जब पेटीएम काफी अच्छे डिमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, तो स्कैमर्स ने यूज किया था पेटीएम का। पेटीएम आपको 150 रुपए दे रहा, 100 रुपए दे रहा, रिचार्ज दे रहा, और एक कंटेंट भी आ रहा था नीचे में कि मुझे तो मिल गया है, तुम भी शेयर करो, तुमको भी मिलेगा। लोगों ने शेयर किया, मिला कुछ नहीं। तो सिंपल सी चीज है, जहां पे अगर आपको सोशल मीडिया या फिर आप बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपको सेफ रहना है उस पर, तो आप एक बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है। आप सबसे पहली चीज बेसिक है, आप इंटरनेट यूज कीजिए। पहला कुछ बेसिक टिप्स है जो आपको यूज करने चाहिए हर उस यूजर को जो अपने आप को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेफ रखना चाहते हैं। ठीक है। नंबर 1, कि आपका जो भी गूगल अकाउंट है, जीमेल, जिससे आपका एंड्रॉयड फोन या फिर आपके iTunes का जो भी अकाउंट होता है एप्पल यूजर्स के लिए, आप कभी भी अपना यूजर नेम पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, सिस्टम हो, किसी भी चीज का हो। यूजर नेम पासवर्ड अगर आप किसी चीज का भी शेयर कर रहे हो, तो आप इसको किसी भी पर्सन को आप अपना सारा एक्सेस दे रहे हो। एक्सेस के तौर पे अगर आप गूगल आप अकाउंट का जीमेल का पासवर्ड देते हैं, तो गूगल से आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटोग्राफ्स, ईमेल्स, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो आप कभी भी किसी को अपना ईमेल का पासवर्ड मत बताइए। नंबर 2, कोई भी ऐसे लिंक, चाहे वो आपको किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई भी मैसेज आ रहा है, आप उसको एंटरटेन डायरेक्ट मत कीजिए, क्योंकि कई ऐसे भी लिंक होते हैं मालवेयर्स, अगर आप उन पर क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में आपके मोबाइल के ऊपर कई ऐप्स डाउनलोड हो जाते हैं, जो आपने देखा होगा कई मोबाइल्स पे होता है कि लिंक कई बार क्लिक किया और उसके बाद आपके मोबाइल में हीटिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। बहुत ज्यादा मोबाइल आपका हीट कर रहा है, या कोई ऐसा आपने अनऑथराइज ऐप डाउनलोड किया है जिसकी वजह से आपका मोबाइल बहुत हीट होता है, जब आप उसको अनइंस्टॉल करते हैं मोबाइल आपका नॉर्मल हो जाता है। जस्ट बिकॉज कि ऐसे अनऑथराइज ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे हैं, आप उन्हीं को डाउनलोड कीजिए, जो अनऑथराइज है यानी कि गूगल पे नहीं है, आप उसको यूज मत कीजिए। रिकमेंडेशन यही है, लिंक्स पे आप क्लिक, अनऑथराइज लिंक्स पे मत कीजिए। आपको अगर कुछ सर्च करना है तो किसी थर्ड पार्टी ब्राउजर्स जो आपको मिल रहे होते हैं उनके बजाय आप जो ऑथेंटिकेट ब्राउजर्स हैं, जैसे गूगल के ब्राउजर्स हो गए, ये आपके जेन्युइन हैं, इनका रोबोटिक सिस्टम इतना अच्छा है कि आप इसके अंदर ये सारे हर 24 घंटे के अंदर में कई बार मल्टीपल इनके बोर्ड्स स्कैन करते हैं, जितने भी लिंक्स हैं इनके सर्वर पे, तो किसी भी तरह का अगर मलेशियस लिंक होता है तो वो उसको रिमूव करते रहते हैं। तो आप ऐसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए जो आपके प्रति जवाबदेही देने को, जवाब देने को तैयार बैठा हो, राइट? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो गूगल का सपोर्ट है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं चैट के थ्रू, कॉल के थ्रू, इंडिया के अंदर में भी आज के डेट में। तो ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए जहां पे आपकी प्राइवेसी का लोग ख्याल रख रहे हैं, सिक्योरिटी आपकी बरकरार रहती है। आपको अगर सिक्योर रहना है तो सबसे पहले चीज मैं यूजर्स को यही बताना चाहूंगा, पहला तो था कि आप पासवर्ड कभी शेयर ना करें। किसी भी तरह का ऐसा फ्री का ऑफर आता है आपके पास कि फ्री में मैं आपको आपके मोबाइल पे रिचार्ज मिलेगा, या डिश टीवी, रिलायंस जियो वाले देने वाले हैं, या फिर आपको लॉटरी लगी है, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को जो आपके झारखंड से ही बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहती है कि मेरे पास मोबाइल पे SMS या फिर किसी बंदे का कॉल आया था, उन्होंने बताया मेरी लॉटरी लगी है और मुझे अकाउंट्स में देना है। आज की डेट में जब से UPI एक्टिवेट हुआ है
सबसे ज्यादा जो साइबर क्राइम के केसेस हैं वो आपके झारखंड से ही हैं। चलिए, साइबर क्राइम जैसे आपने नाम लिया, जी जी, साइबर क्राइम को क्या क्या होता है, साइबर क्राइम होता क्या, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत इस चीज पर जानना चाहते हैं, और ये खतरा इसका कैसा है? देखिए, साइबर क्राइम का खतरा अभी तक जो देखा जा रहा है इस एरिया में, साइबर क्राइम जो डिजिटल इंटरनेट से जुड़ा हुआ मसला है, यानी कि इंटरनेट के यूज़ के माध्यम से, यानी कि आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, आपका बैंक अकाउंट ऑनलाइन आप यूज़ कर रहे हैं, आपने अनऑथराइज किसी ने एक्सेस किया और आपके अकाउंट से पेमेंट निकाला, या फिर फाइनेंशियल ये क्राइम में आ गया। साइबर फ्रॉड के अंदर आपके कई तरह के क्राइम होते हैं, फाइनेंशियल हो गया, सोशल हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके, अगर मैं बात करूँ, आपका मेल आपने किसी को ऑथराइज नहीं किया, किसी ने उसको फिर भी एक्सेस कर लिया है, आपको मोबाइल किसी ने आपने पासवर्ड लॉक किया हुआ, फिर भी कोई एप्लीकेशन आपका आपने ऐसा रखा हुआ जो आपके डेटा को सिंक कर ले रहा है, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट्स, मीडिया, जो भी फोटोग्राफ स्टूडियो है वो सिंक हो जा रहे हैं। तो ये सारी इस तरह की जो अनऑथराइज एक्टिविटीज़ हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी आपके साइबर क्राइम के अंदर ही आती हैं। इनसे बचने के लिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। नंबर वन, जो आपके पास मैंने आपको बताया कि आप किसी भी तरह का पासवर्ड जो है आपका, वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। नंबर टू, आपके पास अगर कोई OTP आ रहा है मोबाइल पे और कोई कॉल करके आपसे मांगे कि मैं इस बैंक से या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ और मुझे ये OTP आपका चाहिए, अगर आपने खुद वो OTP जनरेट नहीं किया है तो आप OTP कभी शेयर मत कीजिए, राइट। नंबर थर्ड होता है, आपके पास जो ऑफर्स मैंने आपको बताए लुभावने आते हैं, उन पर कभी भी आप क्लिक मत कीजिए, क्योंकि सारे ऑफर्स कोई भी कंपनी फेक होते हैं, वो कभी भी ऐसा जेन्युइन नहीं होता। नंबर थर्ड इसमें आता है कि आप जो वेबसाइट, जो सबसे ज़्यादा यूज़र जो इन्फेक्टेड होते हैं, जो यूज़र्स अगर चाहते हैं कि यार मेरा मोबाइल पे या मेरे लैपटॉप पे या मेरे सिस्टम पे वायरस ना आए, जो बेसिक सोर्स होता है वायरस का, आज के डेट में अगर जितने भी रिसर्च हुए हैं उस पर फाउंड आउट हुआ है, सबसे ज़्यादा वायरस जो है वो पॉन साइट पे ही होते हैं। तो जो लोग फ्रिक्वेंटली उन साइट्स पे विजिट करते हैं, उनके सिस्टम पे ज़्यादा खतरा होता है कि उनका सिस्टम इन्फेक्टेड होगा, क्योंकि ये सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो यहाँ से लोग क्या होता है, ईजिली कई लोग साइट्स पे विजिट करते हैं और वहाँ से उनके सिस्टम पे वायरस आता है और फिर उनका सिस्टम इन्फेक्टेड होता है। तो बेसिकली चीज़ें, ऐसी साइट्स को आप, इलीगल साइट्स को अवॉइड कीजिए। किसी भी ऐसी साइट पे जाके शॉपिंग करना जो इंडिया में आपके अवेलेबल नहीं है और ऑथराइज भी नहीं है सेल करने के लिए, जैसे आपके इंटरनेट पे आप कई एप्लीकेशन पे आपके ऐड आता होगा कि यहाँ पे आपको ये सामान में इतने रेट पे मिल रहा है, तो ऐड के थ्रू आप किसी भी ऐसी वेबसाइट से परचेस मत कीजिए जिसको आप जानते नहीं हैं, यानी कि उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं, या फिर वो साइट आपकी इंडिया की नहीं है। अगर वो साइट, मान लीजिए आपने कुछ परचेस किया, आपने पेमेंट कर दिया और आपके पास सामान नहीं आता, आप उसका कंप्लेन कहाँ करने जाएंगे, आप उस कंपनी को ढूंढेंगे कहाँ? तो सबसे पहले जो भी कंपनी का आप ऐड देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, आप सबसे पहले चेक कीजिए कि वो क्या कंपनी इंडिया में बेस्ड है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, जो कंपनी जेन्युइन काम करती है उनका हेल्पलाइन नंबर होता है, वेबसाइट भी होती है, सारी चीज़ें होती है, आप उनसे कॉल करके, इंक्वायरी करके, मेल के थ्रू, चैट के थ्रू बात कर सकते हैं। जब आप वेरीफाई कर लेते हैं कि ऐसी कंपनीज वो जेन्युइन है, तब फिर आप उनसे जाके अपना आगे का परचेस कर सकते हैं। चलिए, आपकी भी कंपनी है एरम ग्लोबल सर्विसेज, राइट, और आप उसके CEO हैं जी। ये बताइए कि आप कितने दिनों से इस क्षेत्र में, क्योंकि इतने कम उम्र में इतना ज्यादा नॉलेज और अभी बहुत कुछ बचा है आपके पास, जी जी, तो कब से ये काम चल रहा है? मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी थी 2014 में। इससे पहले मैं भी जॉब करा करता था, जॉब के साथ साथ मैंने कुछ, क्योंकि एक टाइम होता है कि आप कब किस समय तक जॉब कर सकते हैं, तो मेरा कुछ अपना अलग करने का एक पहले से ही टारगेट था कि कुछ मैं अलग करना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ शुरू करने के लिए, हम चार लोगों ने शुरुआत करी थी इस कंपनी की, और इस कंपनी का नाम, जैसे कि एरम ग्लोबल सर्विसेज है, तो एरम का नाम जो मैंने रखा था वो मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो थे मेरे, उनके नाम का कॉम्बिनेशन है ये एरम। अच्छा। और इस कंपनी को शुरुआत हम लोगों ने, सिर्फ 6 सर्विसेज थी हमारे पास, बल्क SMS, बल्क ईमेल, वेबसाइट एंड e-commerce, एंड हमारे पास इसी तरह के हम लोग लिस्टिंग वगैरह की सर्विसेज दिया करते थे। धीरे धीरे जब हम लोगों ने फील्ड में, क्योंकि 2014 के बाद डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिला था काम करने के लिए, और फील्ड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, लोगों की डिमांड भी आई, तो हम लोगों ने जो भी अपने, धीरे धीरे हम लोगों को लगता गया जो जो फील्ड हमारे सामने आती गई, हम लोगों ने उस चीज़ों में काम करना शुरू किया। तो डिजिटल मार्केटिंग में आज की डेट में हमारे पास 100+ सर्विसेज हैं जो हम लोग ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, और साथ ही साथ हम लोगों ने अपने 2 अलग यूनिट्स भी शुरू किए हैं, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप, एंड्रॉइड वगैरह, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह भी डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग के फॉर्म में भी हम लोगों ने अपना अलग
शुरू किया है। आपकी कंपनी, अगर ये कहा जाए कि आपकी कंपनी जो है सर्विसेज में देती है, राइट, क्या क्या सर्विसेज अगर कोई चाहे कि आपके यहाँ से हम लेना चाहें तो वो कौन सी फैसिलिटीज है जो आप देते हैं? आज की डेट में अगर मैं बात करूँ सर्विसेज की, तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने भी यही सोचा था कि हम लोग जो सर्विसेज अभी देते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूं, तो एक आज की डेट में कोई बंदा, एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, कोई भी व्यक्ति, एक आम इंसान अगर चाहता है, एक छोटा छोटा व्यापारी की मैं बात कर रहा हूं, जो 1,000-1,500 का डिबेल्ला उसका डेली का है, बिजनेस है, अगर वो चाहता है कि मैं अपनी शॉप को डिजिटलाइज करूँ, मैं अपने शॉप को डिजिटलाइज करना चाहता हूँ, और जो खर्च आता है, मेन है कि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोगों के आने से पहले जो हमें काम करना हम लोगों ने शुरू किया था, हमें दिखा था एक चीज़ की मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग की जो कॉस्टिंग होती थी सर्विसेज की, वो काफ़ी ज़्यादा लोग चार्ज करते थे, 18,000, 40,000, 50,000, 10,000, उससे नीचे कोई बात नहीं कर पा रहा था। हम लोगों ने सबसे पहले जो हम लोगों की एक यूनिक चीज़ हम लोगों ने अपने सर्विसेज में डेवलप करी कंपनी के अंदर, कि कॉमन इंसान अगर अपने बिजनेस को या वो खुद अपने सिस्टम, अपने बिजनेस को या व्यापार को या एक अपनी कोई कंपनी शुरू करना चाह रहा है या डिजिटलाइज करना चाह रहा है, तो एक गवर्नमेंट का भी आप देखेंगे एक चीज़ होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आसानी से आज की डेट में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बस उनमें ही थोड़ा अपने, क्योंकि अब इंडिया में जब तक हम लोग जो हैं यूथ, हम लोग अगर काम उन चीज़ों पे नहीं करेंगे जिसकी हमारी कंट्री में ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, तब तक हम लोग डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे। तो हमारी कंपनी बेसिकली उन्हीं चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, जिससे कि लोगों को आसानी से वो सर्विसेज मिल पाएँ जिसके लिए वो लोग ज़्यादा पैसे की वजह से आगे नहीं आ पाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की कॉस्टिंग कम कम रेट में हम लोगों ने शुरुआत करी, तो जो आज की डेट में वेबसाइट 15-18 हज़ार रुपये में बनती थी, 40,000 में लोग बना के देते थे पूरा एक पोर्टल, उन लोगों, हमारे जो मिनिमम वेबसाइट का रेट हम लोगों ने शुरू किया था, यानी कि एक बेटर सर्विसेज कंप्लीट सॉल्यूशन विद सपोर्ट, एक साल का जो भी था हम लोगों ने वो सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी 6,600 रुपीज़ में, आज करेंट में वो 9,900 रुपीज़ का है, जिसमें फैसिलिटीज़ में हमने इंक्रीज कर दी है। प्लस अगर कोई बंदा है, अगर वो चाहता है कि मैं बिज़नेस अपना नया शुरू करना चाहता हूँ, तो हम लोग आज की डेट में काउंसलिंग के साथ साथ उसका पूरा बिज़नेस फॉर्मेशन कराना वगैरह सब कुछ करके देते हैं, यानी कंपनी आपको क्रिएट करके देना, आपके बिज़नेस का ऑपरेशन कैसे आप रन करेंगे उसकी पूरी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराना। अगर कंपनी किसी को बंद भी करनी होती तो वो एक बिज़नेस पर्सन, यानी कि एक आम इंसान, एक कॉलेज स्टूडेंट अगर हमें अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो उसको ये आइडिया नहीं होता कि लाइक कई लोगों को होता है, कई को नहीं होता, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए एरम ग्लोबल सर्विसेज है, कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ सर्विसेज हेल्प चाहते हैं अपना सोशल मीडिया के ऊपर या प्रमोशन के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, तो कम रेट में बेटर सर्विसेज आपको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको बिजनेस अकाउंटिंग, यानी कि कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर कोई भी चीज़ अगर फाइनेंशियल रिलेटेड आ रही है प्रॉब्लम, जिसमें आप चाहते हैं कंपनी आपकी रजिस्टर्ड कराना, तो उसमें भी काउंसिलिंग के साथ साथ वो भी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। थर्ड आता है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है या एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती हम लोगों ने, क्योंकि सारी सर्विसेज का कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस रखा है। तो अभी पिछले कई सालों से हम लोगों ने लगातार 3 साल तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोगों ने काम किया, और अब भी हम लोग वहीं मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का और या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोगों को अच्छी तरह से जानकारी अभी नहीं हो पाई, एजुकेशन नहीं हो, एजुकेट नहीं हो पाए हैं लोग। तो हम लोगों का पहला कोशिश होता है कि कई बार हम लोग अपनी कंपनी की तरफ से भी लोगों के पास जाके एजुकेशन कैंप भी देते हैं कई तरह के स्कूल्स में भी। तो एजुकेशन सबसे पहले तो पब्लिक को एजुकेट करना उस चीज़ के ऊपर, कि एक पर्टिकुलर जो आपके पास ये प्लेटफॉर्म है इसका आप यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर, और जो सर्विसेज हैं हमारी, ऐसा नहीं है कि आपके पास, हमारे पास 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक के सर्विसेज अगर हैं तो हम आपको 50,000 वाली ही यूज़ करनी है, जो उस पर्सन के लिए सूटेबल है वही सर्विसेज हम लोग उनको ऑफर कर रहे हैं। एक बात बताइए कि जी, डिजिटल मार्केटिंग में आज के युवा के लिए क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में आज के युवा के लिए बहुत सारे स्कोप हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक अलग प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि जिसमें आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने किसी भी चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। बट अगर मैं पूछूं कि डिजिटल जो ये प्लेटफॉर्म है इस पे जो यूथ है उसके लिए क्या है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद आप ट्रेनिंग लेके पोस्ट अगर ग्रेजुएट हैं तो PGDCA कोर्स भी हैं, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का,
क्लासेस हैं जिस पे कि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आगे उसमें भी अपना प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए तो बहुत सारे कोर्स जो होते हैं वो सब करने पड़ते हैं कंप्लीट। बिल्कुल, ग्रेजुएशन के बाद भी है, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जिसमें आप एनरोल करा सकते हैं और ये आपके रांची में भी है, दिल्ली में भी है, इंडिया के अंदर ही बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप एनरोल करा सकते हैं। बेसिक आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, अगर वो नॉलेज है तो बाकी ट्रेनिंग वो मॉड्यूल्स वो चेक करते हैं आपके कि आपके नॉलेज किस लेवल का है और उसके अकॉर्डिंग आपको वो नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको ट्रेनिंग वो कंप्लीट कराते हैं। डिजिटल मीडिया, क्योंकि मीडिया जो है किसी न किसी तरह से शिफ्ट हो रही है, जितने भी चैनल्स देख लीजिए, जितने भी न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, छोटे हैं या बड़े हैं, वो सारे सारे डिजिटल फील्ड में जाना चाहते हैं। क्या चेंज होना, क्या रेवोल्यूशन आने वाला, किस तरह से देख रहे हैं? रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है। रेवोल्यूशन अगर नहीं आया होता तो आज की डेट में पहले ये होता था कि मोबाइल फोन जो होता था एक बहुत ही कीमती चीज मानी जाती थी। किसी के घर में लैंडलाइन है तो वो लाइक वो बंदा वहाँ का उस मोहल्ले का अपना जहाँ पे रह रहा वहाँ का किंग समझ रहा होता था क्योंकि उसके घर पे लैंडलाइन है। तो फोन आपका घर से निकल के आपके जेब में आया जब एक वायरलेस फोन छोटा वाला हुआ करता था सबके पास। तो धीरे धीरे आप देखेंगे रिवोल्यूशन आते गया है इस फील्ड में। पहले लैंडलाइन था, वायर्ड था, फिर वायरलेस हुआ और आज की डेट में जो आपका वर्ल्ड है, दुनिया की कोई भी चीज़ अगर आपको सेकेंड में देखनी है, चाहे वीडियो होगा, इमेज होगा, कोई कंट्री अगर देखनी है, एंड्रॉयड फ़ोन आज की डेट में मैंने आपके रांची शहर में देखा है, ऑटो वाले के पास भी था, रिक्शे वाले के पास भी मैंने देखा, वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे न्यूज़ देख रहे हैं। और न्यूज़ आपने जैसा अगर आप देखेंगे जब इतने आपके जो एक रिक्शा वाला जो रिक्शा चला रहा है या ऑटो वाले के पास भी आज के डेट में एंड्रॉयड फ़ोन है तो रिवोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है। एक कॉमन पर्सन है वो, ठीक है, वो बहुत बड़ा उसके पास मर्सिडीज नहीं चला रहा, वो एक ऑटो चला रहे हैं लेकिन फिर भी उनके पास है। दैट मीन कि रेवोल्यूशन आ चुका है, एक बंदे के पास फोन है आज की डेट में, एंड्रॉयड नेट कनेक्शन है, वो यूज़ कर रहा है। मीडिया का इस्तेमाल, आप कहते हैं मीडिया में कब रेवोल्यूशन आएगा, मीडिया में रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ गया। अगर आपका सब्सक्राइबर कौन देख रहा है आपको, एक आम इंसान तक वो चीज़ पहुँच चुकी है जिसपे वो आपको देखेगा, यानी कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट कनेक्शन लोगों के पास है, हर किसी के पास आज एक जियो का सिम है, लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। अब इंटरनेट मोबाइल किसी के पास है तो वो क्या मैक्सिमम देखता है, एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी जो 2017 में रिलीज हुई थी, मैक्सिमम लोग आपके जो हैं यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे, फेसबुक और यूट्यूब, देन आपके ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो रूरल एरिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर टाइम अपना यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे एजुकेशन वीडियो हो गए, गाने हो गए, एंटरटेनमेंट हो गए, इन सेगमेंट में वो ज़्यादा जाते हैं, यानी कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी बीच में आज की डेट में अगर किसी को न्यूज़ भी देखना होता है, क्योंकि आज देखेंगे आप हर चैनल, हर न्यूज़ एजेंसी, उनका हर एक का अपना यूट्यूब चैनल भी है, ट्विटर अकाउंट भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, और मोस्ट ऑफ लोगों हम लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म स्नैपचैट वगैरह पे भी देखा है। तो लोग अपना जिनको जहाँ पे प्लेटफॉर्म दिख रहा है वो उसका यूटिलाइज करते चले जा रहे हैं और जो जो कंज्यूमर है वहाँ पे वो उनको फॉलो भी कर रहे हैं और उस चीज़ को वहाँ पे देख रहे हैं अपनी टाइम के अकॉर्डिंग। तो यूज़ और रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है इस चीज़ का और लोग इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। दर्शकों, सोशल मीडिया कितनी ज़रूरत है हमारे लाइफ के लिए, हमारे काम के लिए, और इससे क्या क्या नुकसान है, संक्षेप में एकदम छोटा सा जवाब कि अगर अपने मोबाइल को हम सेव रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं और उसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पे, क्योंकि जनरली सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उसी में रखते हैं, तो उस मोबाइल को सेफ जोन में कैसे रखा जाए, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, सेफ आपका मोबाइल आपका कभी भी अनसेफ नहीं होगा जब तक कि आप उसको अनसेफ नहीं करेंगे। मोबाइल बिल्कुल उस तरीके से है, आप जब अपने घर से निकलते हैं कभी भी बाहर तो आप उसको अच्छी तरह से लॉक करके जाते हैं, राइट। तो मोबाइल फ़ोन भी बिल्कुल आपके एक प्राइवेसी जो है उसकी घर के ताले की तरह है। तो आप कभी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी भी तरह का अनऑथराइज ऐप मत रखिए, जैसे कि कहीं आपने थर्ड पार्टी या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड किया जो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है या फिर आईट्यून प्ले स्टोर पर नहीं है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके मत रखिए, ठीक है, क्योंकि एक ही होगा। हाँ, और जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस दे रहे होते हैं, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो आप देख रहे होते हैं कि वहाँ पे एप्लीकेशन आपसे एक्सेस मांगता है, लाइक दिस एप्लीकेशन वांट टू रीड योर कॉन्टैक्ट्स, फोटो। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको अलाव ही करते जाना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा यूजेस नहीं है इस चीज़ का तो आप उसमें डिनाई भी कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपने डिनाई कर दिया तो वो एप्लीकेशन आपका जो भी चीज़ के लिए आप डिनाई कर रहे हैं वो एक्सेस नहीं कर पाता है वहाँ पे। अगर आपने सारी चीज़ें अलाउ कर दिया, दैट मीन कि जो आपका डेटा आपके फ़ोन पे है वो वहाँ पे सिंक हो रहा है।
तो आपको सिक्योर करने का सिंपल सा तरीका, पासवर्ड कभी शेयर मत कीजिए, किसी भी अनऑथोराइज ऐप को आप एक्सेस मत कीजिए, और किसी भी अनऑथोराइज लिंक को एक्सेस मत कीजिए, तो इतने में सेफ रहे, सेफ है आपका फ़ोन। किसी भी, आप देखिए वेबसाइट पे, आप कहीं पे अगर किसी वेबसाइट पे अगर जा रहे हैं जो वेबसाइट आपके मोबाइल को हार्म कर सकती है, मालिशियस लिंक है उस पर, तभी आपके मोबाइल तक वायरस आएगा, राइट। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को फ़ोन दे दिया, ठीक है, जिसको आप जान नहीं रहे हैं या फिर जानते हैं, और उस व्यक्ति ने उस पे कोई अनऑथोराइज एप्लीकेशन डाल दिया जो बैकग्राउंड में रन कर रही है, आपको दिखेगी भी नहीं, तो प्राइवेसी आपकी वहाँ पे ख़त्म हो गई। क्योंकि एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनके थ्रू आपके मोबाइल पे जितने SMS आ रहे हैं, जिन लोगों को आपने कॉल किया है, वो सारी चीज़ें बंदा पढ़ सकता है दूसरे एंड पे बैठ के। तो बेटर सॉल्यूशन यही है कि सिक्योरिटी, ऐसा मैंने जैसे पहले भी कहा था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि बहुत ज़्यादा आपको प्राइवेसी लगाना है, कोई टूल्स डाउनलोड करके रखना है या एंटीवायरस लेके आ जाना है, बेसिक सा फंडा है अगर कॉमन इंसान के हिसाब से। गलत साइट पे जाओ मत, गलत होगा नहीं, बिल्कुल गलत साइट पे आप जाइए मत। दूसरी चीज है, आप पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिए, और जितने फ्री ऑफर आ रहे हैं उनसे दूर रहने की लालच, लालच बुरी बला, लालच बुरी बला है, लालच से दूर रहिए। बिल्कुल दर्शकों, हम काम करते हैं बहुत जगह, हमारे पैसे बाकी रहते हैं, बहुत लोगों को मैंने दिया, हमने लोग दिए रहते, वो पैसे तो मिल नहीं रहे, फिर हमारी किस्मत ऐसी क्या कि कोई हमारे पास फ्री में अवार्ड मिल जाएगा, बहुत तरह तरह की चीजें आती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजिस, इसलिए कि हमारे दर्शकों को भी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और हमारी डिजिटल टीम को भी आपने ट्रेनिंग दी है, और अब हमारा काम जो है काफी आसान हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू आफ्ताब जी, नमस्कार। थैंक यू।